आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये से कन्हैया जी, बात करें अगर आप कृषि फसलों में सोयाबीन की, तिलहन की या फिर खल की, तो कुछ आंकड़े निकल के सामने आए हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और वो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि अप्रैल में ऑयल मील यानी कि जो खल है उसका निर्यात 10% तक बढ़ा है। कन्हैया जी, गौर करने वाली बात है कि जब अपने भारत में खल का इतनी उपलब्धता है कि निर्यात हो रहा है और बढ़ भी रहा है, तो सरकार को जीएम सोया मील का आयात करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, बहुत ज्वलंत सवाल है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं उनका कोई एक, मैं पहले भी आपके चैनल के जरिए सरकार से अपील कर चुका हूं कि आप एक स्टैंडर्ड मानक बना दें कि इतने लेबल की अवेलेबिलिटी तक सरकार इंपोर्ट नहीं करेगी, इस लेबल को इससे कम यदि अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी, तो सरकार इंपोर्ट करने की इजाजत देगी। अब आपने देखा होगा कि सोयाबीन का जब यदि हम देखें ध्यान से, जब सोइंग जब फसल का टाइम था, शानदार उत्पादन के आंकड़े भी सरकारी स्रोत डिक्लेयर कर रहे थे उस टाइम, सोया डीओसी की इंपोर्ट की इजाजत मुर्गी पालकों को दी थी, लेकिन उन्होंने जब सोयाबीन के भाव गिरे तो उन्होंने जो लिमिट दी थी उनको उतनी भी उन्होंने नहीं की, और जब जनवरी के अंदर भाव कम थे तब उन्होंने नहीं की, जब फरवरी मार्च के अंदर जब सोयाबीन के भाव शानदार बन गए उन्होंने जब फिर हल्ला मचाना चालू किया साहब कि हमारी जो भाव हैं ये हमारे पड़ते में नहीं आ रही है, इसके बर्ड्स परेशान हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो पॉइंट ये है कि एक निश्चित मापदंड तो आपको रखने पड़ेंगे। सेम चीज गेहूं में हो रहा है, गेहूं के अंदर 444 लाख टन का सरकारी खरीद का आंकड़ा है, गेहूं का उत्पादन जो आंकड़े हैं उसकी सरकारी आंकड़े उसके उससे कम इस बार उत्पादन है, और उसके बाद आप तेजी से निर्यात करने की आपने परमिशन दी थी, जब व्यापारियों ने किसानों से माल खरीद लिया और उसके बाद अचानक आप वीट को प्रतिबंधित श्रेणी में लाते हैं, तो जो व्यापारियों ने निर्यात करने के लिए माल खरीदा अब वो किसको बेचे, बंदरगाहों पे हजारों ट्रकों की लाइन लग चुकी हैं, उसके बाद फिर सरकार ने छूट दी। तो कहने का मेन मकसद यह है कि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कब इंपोर्ट और कब एक्सपोर्ट और कितनी मात्रा में, ये तो है, जब तक इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बनेगा कि इतना परसेंटेज कम होने पे आयात किया जाएगा, इतनी परसेंटेज अधिक उत्पादन होने पर निर्यात किया जा सकेगा, और कितनी उसकी टाइम फ्रेम है, जब तक ये नहीं निर्धारित होगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, इसके ऊपर बात करना उचित नहीं है। और एक चीज और मैं आपको खुलासा करना चाहूं कि जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं बनस्पत किसी और की, जबकि होना यह चाहिए कि भारत एक प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश है, यहाँ की जो रिपोर्ट्स है वो पूरा विश्व उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपको याद होगा शनिवार को हमने एक इंटरव्यू किया था गेहूं के ऊपर, तो हमने ये आपने एक सवाल पूछा था कि बैन होने के बाद क्या होगा, तो हमने आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, सोमवार को आपने देखा हो तो गेहूं के भाव 6.5% ऑल टाइम हाई इंटरनेशनल मार्केट में बन गए। तो मकसद सिर्फ इतना सा कहने का है कि इसके जो आपका सवाल है कि ये हो क्या रहा है कि ये मापदंड कोई निर्धारित नहीं है, ये कभी इंपोर्ट करते हैं कभी इंपोर्ट रोक देते हैं, इससे बिल्कुल असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसको फायदा होता है, कुछ व्यक्तिगत लोगों को फायदा होता हो या नहीं होता हो एक वो अलग चीज है, लेकिन मुझे इसमें कंफ्यूजन लगता है। जी जी जी,
आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। झटपट दुकान स्टोर बनाने से